जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैफल थोड़ी खिदमत में हाजिर है। अज जुमे का डे है, सब तो पहले जुमा तुल मुबारक तुम, जुमा मुबारक हो। माशाल्लाह नौ जून है, तो एक जेठ है ना, जेठ का महीना है, ठीक है। तो असा उस्ताद साहब को मौलाना हजरत मोहम्मद अजमल साहब को हाजिर हो दूसरे टॉपिक वास्ते। पहला अपना टॉपिक है शादी की सही उम्र क्या है, उनका अपन चंगा एक रिस्पॉन्स मिले एक इस्लामिक व्यू न। आज का अपना टॉपिक है कि औलाद ना होने की वजूहत क्यों है, कि औलाद ना होने की वजूहत अजमल साहब दे सकते हैं, क्योंकि अजमल साहब को पिछले जुमे भी टाइम दिया, आई टाइम नहीं दे सके कोई अपनी मसरूफियात की वजह तो। जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, इन बच्चों माशाल्लाह पिछली दफ़ा भी बड़ा मौजू अहम मौजू पर बोलने का हुक्म किया, अज भी इन्होंने बड़ा संजीदा और बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि अजकल हालात ज़माना के मुताबिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है। तो पहले मैं गुजारिश है करे सा कि अल्हम्दुलिल्लाह सा मुसलमान हैं, मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं, हजूर नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह पाक दा फ़ज़ल है साढ़े उत्ते। बेशक पहला साढ़ा ईमान यकीन और अकीदा यह है कि अल्लाह पाक, जैसा कि कुरान पाक हुक्म होया कि अल्लाह जिसनों चाहे बेटियां देवे, जिसनों चाहे बेटे देवे, जिसनों चाहे के बांझ रखे, यानी ना बेटी देवे ना बेटा देवे, ये अल्लाह पाक दा हुक्म है, अल्लाह दा अमर है, उसकी कुदरत है, उसकी शान है। लेकिन जितों तक एक मर्ज का ताल्लुक है कि औलाद क्यों नहीं होती, ये अंदर ढेर सारे असबाब हैं जी, ढेर सारे असबाब हैं जेदे विच मेरा, क्योंकि शब रोज़ दा है, प्रैक्टिकल है, क्या सारे मरीज दूरों नज़दीक तो दूर दूर तो काफ़ी दोस्त अहबाब कुछ टेलीफोन दे रबता कुछ दिल मुशाफात मिलते हैं। मेरा सब तो पहला तजर्बा यह है कि मुआशरती जड़ी बुराइयां हैं जो अजकल साढ़े जमाने दे पाइया गई, खासकर नौजवान नस्ल के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि मैं वाज तौर पर अल्फाज नहीं आख सकता इस वास्ते, क्योंकि नैट से तस्वीर बननी है और पूरी दुनिया के अंदर साढ़िया बेटियां मामा भैन भाइया छोटे बड़ा सब ने देखना है कि जिमें आम लोग फाश अल्फाज इस्तेमाल कर दे, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इतना कुछ जरूर आख स कि जितने नौजवान तबका है बुजुर्ग आदि उन्हें सवेर की बच्ची शायद शाम को कम आवेंगी, लेकिन मुआशरती जो हालात हैं जो तकाजा है हालात का, सब तो पहली वजह यह है कि मर्दाना कमजोरी वास्ते बच्चे अपनी जवानी के आलम जवानी नादानी होती है, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं, और अक्सर ऐसा वाकयात होंगे कि लोग साढ़े को आते हैं, माँ बाप खुशी इजहार कर रहे हैं बच्चे की शादी करेंगे पे हैं माशाला बच्चे के दिन रखने, लेकिन बच्चा एज ए सोग डरदा प्यों गया रो रहा होंगे साढ़े को मिन्नत जारियाँ हाथ जोड़ता है कि उस्ताद जी मेहरबानी करो कि साढ़े इलाज करो कि साढ़े से शफकत करो, लेकिन पहले असा शरण समझाते हैं कि बेटा इस तरह करो, नमाज पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो। दूसरी वजह यह है कि जेड़ा असा मसलन लड़की की उम्र बहुत ज्यादा है, बच्चे की उम्र कम है, वो शादी कर दी थी, या बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा है लड़की की उम्र बिल्कुल छोटी है, वह भी इसबाब पैदा हो सकते हैं। तो दूजी गल है कि कुछ बच्चियां होंगे नौजवान दौरान शादी या जिस वेले अपनी सन्न बलोग में पहुँच दिए उस वेले कुछ एहतियात नहीं करेंदियाँ, तो काफ़ी सारी मेडिकल रिपोर्टा सारे सामने आदि हैं, उन्होंने अंदर मुख्तलिफ अमराज शुरू थी वन, मसलन जो आम तौर पर वर्म होंगे या कोई बई जिस्मानी बीमारियां जी, इस वास्ते औलाद दा होना नामुमकिन हो जाता है। इस वास्ते सब तो पहले साड़ी गुजारिश है खासकर नौजवान तबके को, जितने मेरे नौजवान बच्चे इस वक्त इस वीडियो देख सन, उन्होंने को मेरी गुजारिश है कि अपनी जवानी का जवानी को संभालते रखो, कंट्रोल ये कह दी अमानत है तुहाड़े को, अल्लाह पाक तो जवानी दी है ताकत दी है, ये एक अमानत है तुहाड़े को और तुहाड़ी जिंदगी का फायदा है। दूजी गल है कि अगर कोई अपनी जवानी की गलतकारियों की वजह तो इस स्टेज पर पहुँच चुका है तो
खिदमत बरह रास्त राबता कर सकते हैं 0301-290-7439 साडा राबता नंबर है और इंशाल्लाह बाकी तफसीलात जिवें साडा राबता करे सन असा तफसीलात फोन ते करे सो लिहाजा गुजारिश है कि अपने नमाज पढ़न दुरूद पाक पढ़न तौबा इस्तगफार करन अल्लाह पाक अला कुल्ले शैन कदीर है मालिक लम जज़ल है और जिन्हें बच्चे हैं इन्हें औलाद न थी वे वह भी राबता कर सकते हैं और मैं ये गुजारिश करे सा कि सूरत वतीन व जैतून रोज़ाना सुबह की नमाज तो बाद 11 दफ़ा पढ़ के पानी ते ये बच्चियाँ पीवन इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमैसी और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जितने भी बे औलाद हैं औलाद की वजह तो जो भी परेशान हैं मुसलमान साढ़े बहन भाई बच्चे बच्चियाँ अल्लाह पाक उन्होंने औलाद औलाद नरीना अता फरमा।